Nawazuddin Siddiqui is one of Bollywood's finest actors. His personal life, however, is quite controversial. In May 2020, Nawazuddin Siddiqui's wife, Alia, filed for a divorce. She, however, eventually decided to give their marriage a second chance. Despite this, they decided to live separately. In February 2023, she said that she plans to file for divorce again. Alia also said that she wanted custody of her kids. She further claimed that Nawazuddin had harassed her. On Feb 23, she shared a video on Instagram in which she accused the actor of trying to steal her kids away from her by filing a custody case. So Nawaz ne kal actually court mein ek case dala hua hai jisme unka kehna hai ki ये बच्चे उनको चाहिए कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से ये जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, जिस उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हो गए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से She also said that she has filed a rape case with proof against the actor. आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार आप लोग के सामने आके गालियाँ खाती हूँ, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, पर जो गालियाँ देते हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितने साल की एक जर्नी है इस औरत की, जिसने अपना वक्त, अपना टाइम सब कुछ दिया है। और वो स्पेशली मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, पर एक शख्स जो एक पावरफुल प्लेस पे है, पावरफुल एक जगह पे है, वो अपने पावर से, अपनी चीज़ों से मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाह रहा है। और बहुत आसान है उसके लिए, उसके पास पावर है, उसके पास पैसे। जब भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन, आज तक वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने नहीं लिया, जबकि मैंने 6 कंप्लेन किया हुआ है, 6 कंप्लेन में इतनी सीरियस एलिगेशन तक लगाए हुए हैं, जो कि मैंने खुद दिया हुआ है कि यदि आप मेरे साथ शादी में नहीं थे और आपके हिसाब से मैं लिविंग में थी, तो इतने साल से आप मेरे साथ जो कर रहे थे वो गलत है, तो इससे तो आपका रेप केस बनता है। On 6 March, in a video shared by her, she claimed that the actor has evicted her and her 2 minor children from their home in the night. मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठती हैं, वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है, और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है, ना मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ, और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त, और मुझे नहीं पता कि नवाज़ इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती है। इस इतना गिर चुका है नवाज़, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती, जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे 2 बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज़ ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त। एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ब्रोक हिज साइलेंस आफ्टर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। टेकिंग टू इंस्टाग्राम, Nawazuddin shared a statement. He captioned the post, "This is not an allegation but expressing my emotions." The actor said that a section of people are enjoying his character assassination on the basis of one-sided and manipulated videos. Alia Siddiqui took to her Instagram account and shared a detailed statement reacting to each of his claims made in a recent open letter. In her statement, Alia alleged that Nawaz's male manager hugged their daughter inappropriately several times even after objections. Alia also accused Nawazuddin for using his money and political power to file a case against her. She even accused the cops of being biased towards the actor. Urfi Javed shared the video on her Instagram stories and said that she has nothing but sympathy for Alia. On the other hand, Kangana Ranaut has shown support to Nawazuddin Siddiqui after the actor broke his silence. Subscribe to Midday India.
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.